मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि 3 बजे हमारा मैच शुरू होगा वर्ल्ड कप फाइनल। नवाज शरीफ अब ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा, ये इसके दिन खत्म हो गए। मैं आज आपको राइटिंग में देता हूं। 2 दिन के बाद आप जाने और हम जाने। शाम को आजादी का जश्न बनाएंगे क्योंकि आजादी को कोई नहीं रोक सकता। हम कल निकलेंगे और इंशाल्लाह यह पब्लिक आएगी और परसों और ज्यादा पब्लिक आएगी और वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या लायामल होगा और फिर उस 2 दिनों के बाद मैं पब्लिक को नहीं रोक सकूंगा इस्लामाबाद जाते हुए। कल बड़ा दिन है, कल तारीख ही दिन है। नवाज शरीफ जाने वाला, अगर वो कल शाम ना गया तो शाम चला जाएगा, अगर परसों शाम ना गया तो परसों चला जाएगा। उसके बाद वो जवाब हमको कप्तान ने प्लान बनाया हुआ उसके जाने का। पाकिस्तान आप सबको मुबारक, कल 7:04 बजे आवाम का हजूमों का जश्न बनाएंगे और मैं भी आज रात का बंदोबस्त करूंगा कल शाम को इंशाल्लाह। अगले 2 दिन में फैसला होगा, 2 दिनों में फैसला होगा। मैं तो साल गुजारने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। फिर मैं आपके सामने एक बड़ा ऐलान करने वाला हूं, एक ऐलान करने वाला। कल जुमे की नमाज होगी, 2 बजे नमाज होगी और उसके बाद आजादी का जश्न मनाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पाकिस्तान में इंकलाब आ रहा है। आप 24 घंटे में रिजाइन करें नहीं तो कल शाम को मैं कोई और ऐलान कर दूंगा। तब्दीली आ गई।